मैं आप लोग तो पता ही चल गया होगा मैं कहाँ हूँ। मैं अभी आ गया हूँ किशनगढ़, जो कि इंडिया का स्विट्ज़रलैंड कह सकते हैं। यहाँ पे चारों तरफ केवल आपको स्नो ही स्नो दिख रहा होगा, लेकिन ये स्नो है नहीं, ये है डंपिंग यार्ड। लगभग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो यहाँ के आ चुके हैं, तो मैं भी सोच इधर से गुजर रहा था तो मैं भी आ गया। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है भाई यहाँ का, पानी से दूर रहने के लिए हिदायत है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग शूटिंग कर रहे हैं, हर जगह लोग अपना जो है फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मार्बल ऐसे लगा रखे हैं जो कि यहाँ की सुंदरता को काफ़ी बढ़ा रहा है। ये सब मार्बल की वजह से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक लुक हो गया, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आ रहे हैं। ये काफ़ी शानदार है भाई, काफ़ी शानदार मार्बल्स वगैरह को कटिंग करके बना रखा है। ये पूरी डंपिंग यार्ड है और काफ़ी ब्लू पानी है, बहुत ही शानदार। काफ़ी बड़ा है ये भाई, सूर्य अस्त हो रहा है। भाई लोग मैं अभी आ गया हूँ अजमेर, अजमेर में 7 अजूबा, अनबिलेबल में। और ये सारे अजूबे हैं, पिरामिड, ये ताजमहल, ये अमेरिका का, और ये रहा इटली का, और ये पीसा का मीनार। मैं आ गया एफिल टावर, और ये एफिल टावर है पेरिस फ्रांस विशेषता इंजीनियरिंग घुसते हुए, मतलब इंजीनियरिंग कला जो है। इसकी ऊंचाई है 330 मीटर, और जो ये प्रतिकृति बनाई गई है मात्र 30 मीटर की है अजमेर सिटी में। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, देख सकते हैं भाई। और इसकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में 28 अक्टूबर 1886 में बनाया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 46.50 मीटर, और जो ये प्रतिकृति है 5 मीटर की बनाई गई है। अब आगे चलते हैं पिरामिड पे, और ये मिस्र का पिरामिड है। मिस्र का पिरामिड जो है गीजा शहर में मिस्र में है। इसकी एक भुजा है जो कि जिसकी लंबाई है 230.42 मीटर, ऊंचाई है 137.16 मीटर। और ये जो प्रकृति है, मतलब इसका जो रूप बनाया गया, ये 12 मीटर ऊंचा है लंबाई है और 7 मीटर ऊंचाई है, 12 मीटर लंबाई और 7 मीटर ऊँचाई। भाई ये अपना ताजमहल है, ताजमहल के बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं कि मुग़ल के शासन काल में बना था, लेकिन इसके बारे में पढ़ के सुना देते हैं। ये मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ की याद में 1632 में बनाना शुरू किया था, जो कि 1648 में पूरा हुआ था, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है। और ये जो डिज़ाइन यहाँ बना गया अजमेर में, जो 7.5 मीटर की है। और ये मैं अभी आ गया 5वें अजूबे के पास, जिसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर। ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और दोनों हाथों के मध्य की दूरी 28 मीटर है। और ये सन 1927 में प्रारंभ बनाना शुरू किया गया था, और ये 1931 में पूर्ण हुआ था। और ये जो प्रकृति बनाई गई है प्रतिकृति, ये 2.5 मीटर की है। और ये पीसा का झुका हुआ मीनार, ये भी थोड़ा झुका ही हुआ है। और ये पीसा सर इटली में है, जो सन 1173 में शुरू होकर 200 सालों तक चला था युद्धों के कारण। और इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। ये जो प्रकृति है ये 18 मीटर की बनाई गई है, और झुकाव 5 डिग्री सेल्सियस इसका भी बना है। तो पीसा के मीनार का जो है 200 सालों तक युद्ध के कारण वो काफ़ी लेट हो गया बनने में, तो 200 साल बाद वो जो बन के तैयार हो गया था। अभी हम आ गए हैं इटली की एक और अजूबे के पास, कॉलिजियम। मूल प्रकृति रोम शहर इटली में है, और निर्माण सम्राट वेस्पेसियन द्वारा सन 72 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जो पुत्र टाइटस द्वारा सन 80 में पूरा किया गया था। और इसकी लंबाई 188 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है। ये जो बनाया गया डिजाइन, ये जो है 15 मीटर लंबाई है और 12 मीटर चौड़ाई है।
तो बस यही ख़त्म हो गया। अब चलते हैं मज़ार की तरफ, देखते हैं और उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ।